आज मैं बहुत टेस्टी और बहुत ही कम समय में सब्जी बना रही हूँ। पहले मैं कढ़ाई को गर्म कर ली हूँ, उसके बाद उसमें जीरा और सरसों का तड़का दी हूँ, और देने के बाद उसमें लाल मिर्च और एक तेज पत्ता दोनों को डाल दी हूँ। उसमें अदरक और लहसुन दरदरा कूट ली हूँ, उसमें हरा मिर्च भी काट कर डाली हूँ। ये थोड़ा सा हमारे लाल हो चुकी क्योंकि मैं एक प्याज काटने समय हो चुकी है, मैं इसमें एक प्याज भी डाली हूँ, इससे हल्का थोड़ा कम ही सुनहरा कीजिए। और जब प्याज भी और जो उसमें डाले हैं लहसुन है, इसे भी इस तरीके से भून लीजिए। जो बच्चे लोग लॉज में रहते हैं उनको लिए बहुत अच्छे सब्जी बना रही हूँ, टाइम कम लगे इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि उन लोग बच्चे लोग नहीं बना पाते हैं। घर में तो माँ लोग बनाती है पर उन लोग के पास टाइम नहीं रहता है। इस तरीके से उन लोग बनाएंगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे सब्जी बनेंगे। और देखिए मैं बातों बातों में इसमें दो टमाटर काट के डाल दी हूँ और नमक स्वाद अनुसार उसे भी डाल दीजिए। नमक डालने से होता है कि आपको जो टमाटर है बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। और मैं पहले आलू उबाल दी हूँ क्योंकि मैं दूसरा काम कर रही थी, जैसे कि नहाना धोना हमारा हो रहा था, मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। आलू उबल चुका है, उबलने के बाद मैं इस तरीके से सब काट कर डाल दे रही हूँ। मैं हल्दी, धनिया पाउडर और एक थोड़ा सा लाल मिर्च डालू क्योंकि इसमें मैं हरा मिर्च डाली हूँ, इसे तीखा अपना हिसाब से आप डालें। और इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला, इसे भी अच्छे तरीके से मैं डाल दे रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा हमारा ये जो प्याज और टमाटर है, देखिए ग्रेवी के लिए बहुत तैयार हो चुके हैं। ये तब तक भूंजिए जब तक कि इसमें तेल ना छोड़े। तब तक के लिए मैं देखिए आलू भी इस तरीके से दबा दबा कर फोड़ लेती हूँ। इस तरीके से जब फोड़ लीजिएगा तो बहुत अच्छे बनेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। इसमें और मैं डाली हूँ काली मिर्च, थोड़ा सा मैं कुट के इसमें डाल दी हूँ, इससे भी टेस्टी लगते हैं सब्जी। और जब ये जब तेल छोड़ने लगे तो आप इसमें आलू जो रोटी फोड़ कर रखे हैं आलू के भी इसी में आप डाल दीजिए। इस तरीके से आप सब्जी बनाइएगा तो आपका काम के बचत होगा, समय के बचत होगा, सब्जी बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरीके से आप बनाइए, इसे भी अच्छे से इसी में मिला भी दीजिए, कुछ देर के लिए भून लीजिए तो जो कि आलू भी अच्छे से आपको पक जाएंगे और भुंजा जाएंगे। इस तरीके से बनाने में होता क्या है कि आप दूसरा आलू उबाल रहे हैं तो दूसरा काम भी उधर कर लीजिएगा। तब तक के लिए इधर कढ़ाई गर्म है, तब तक आप जो फ़ौरन काटना है उस तरीके से काट लीजिएगा, भून लीजिए। देखिए हमारी सब्ज़ी भुन जा चुकी है क्योंकि इसमें मसाला ज़्यादा महत्व रखता है भूनने के लिए। देखिए अब जितना आपको ग्रेवी रखना है, चावल में खाना है या तो पराठे में खाना है, उसके हिसाब से आप ग्रेवी रखिए। थोड़ा सा आलू बड़ा है तो आप थोड़ा सा छोलने से आप उसे काट सकते हैं। देखिए हमें आज मैं बनाई हूँ रोटी और सब्जी, बहुत टेस्टी सब्जी लगे, देखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि सब्जी के कलर या जिस तरीके से मैं बनाई हूँ सब्जी बता रहा है कि बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए, समय के बच्चे थे। जो बच्चे लॉज में रहते हैं घर के सब्जी घर में इसी तरीके से माँ लोग बनाती है, आप भी बनाइए और घर माँ का याद करते हुए इस तरीके से सब्जी बनाइए और आप खाइए। बस एक कसर से बाकी है, थोड़ा सा धनिया पत्ता आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप कोई सा बात नहीं है, धनिया पत्ता डाल कर इसे अच्छे से मिला लीजिए। जब मिल जाए तो इस तरीके से आप देखिए कितना अच्छा, इतना ही हमको ग्रेवी रखना है, ज़्यादा नहीं सुखाना है। आप चाहे तो आप ग्रेवी कम बेसी कर सकते हैं। हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, आप पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ भी खा सकते हैं। जो बच्चे लोग बाहर रहते हैं उनके लिए स्पेशल सब्जी है ये। हमारा सब्जी तैयार हो चुका, मैं इसे अब ढककर